नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। आम आदमी पार्टी जिला करावल नगर की ओर से मुखर्जी नगर के दशहरा ग्राउंड में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें करावल नगर जिले के सभी विधायक पार्षद व भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। जहां पार्टी के विधायकों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, वहीं पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के कार्यो को गिनाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश का संचार किया व आने वाले चुनावों के लिए कमर कसकर तैयार रहने को कहा। आइए आपको दिखाते हैं यह सम्मेलन व सुनवाते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। भारत माता की इनकलाब इनकलाब वंदे वंदे। आज यहाँ आए हुए सभी आम आदमी पार्टी के हमारे साथियों को, कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज मेरा सातवां दिन है जब मैं दिल्ली के कोने कोने में जाके अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ, और जो उत्साह और जो ऊर्जा और जो जोश मुझे देखने को मिल रहा है उससे बहुत खुशी हो रही है। 2015 से कम 10 गुना ज्यादा जोश आज अपने कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। आपकी सरकार ने इतने काम किए और ऐसे ऐसे काम किए हैं जो 5 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। ये हो भी सकता है क्या? जैसे 5 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि इस देश के अंदर सरकारी स्कूल ठीक भी हो सकते हैं क्या, इस देश के अंदर सरकारी अस्पताल ठीक हो सकते हैं क्या, दुनिया के किसी कोने में बिजली मुफ्त भी हो सकती। 5 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था ऐसी सरकार आएगी जो हमको तीर्थ यात्रा भी कराएगी, लोक भी सुधारेगी, परलोक भी सुधारेगी। ऐसे ऐसे काम आपकी सरकार ने करे। अभी मेरे घर में एक बंदा आया, अभी मैं लोगों से मिलके आ रहा हूँ घर पे, बोला जी मैं बीजेपी का हूँ, बोला मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, पहले सरकारी स्कूल में बोला बैठने को डेस्क नहीं थे, कुछ भी नहीं था सरकारी स्कूल में, बोला ये 5-6 साल पहले की बात है। और अब गया मैं अपने सरकारी स्कूल में, उसमें बोला इतना शानदार हो गया सरकारी स्कूल, कहता ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल गया आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। पिछले महीने 14 लाख परिवारों के बिजली के बिल जीरो आए हैं। एक टाइम ऐसा था जब बिजली का बिल आया करता था तो घर में मातम छा जाता था, लोगों के हार्ट अटैक होते थे। आज जब बिजली का बिल आता है तो दिवाली मनाते हैं अपने घर में, यार मेरा भी जीरो आया, तेरा भी जीरो आया। कहते हैं कि नहीं कहते, यार मेरा भी बिल जीरो आया, और लोग खुश होके ट्विटर पे डालते हैं, देखो जी मेरा बिल जीरो आया। पहली बार हो रहा है दुनिया के अंदर, पहली बार। तो पिछले महीने 14 लाख लोगों के बिजली के बिल जीरो आए हैं, और दिसंबर के महीने में अनुमान है कि 35 लाख परिवारों के बिजली के बिल जीरो आएंगे। बीजेपी वाले खड़े होके कहते हैं जी बड़े काम करें, काम गिनाते हैं, कांग्रेस वाले खड़े होकर काम गिनाते हैं। ये भारत की राजनीति में 70 साल में पहली बार हो रहा है कि एक पार्टी जाके चौराहे पे पूछ रही है कि भाई हमने कोई काम करा, नहीं तो नेताओं को गिनाना पड़ता है, भाई ये भी करा था ये भी। हम नहीं गिना रहे, जनता गिना रही है। आई लव यू टू भाई साहब। 98 बड़े बड़े शहरों के, दुनिया के शहरों के मेयर दिल्ली वालों की आवाज सुनना चाहते हैं, इससे बड़ी दिल्ली वालों के लिए इज्जत नहीं हो सकती थी। मेरा तो सीना चौड़ा हो गया दिल्ली वालों के लिए कि आपकी आवाज पूरी दुनिया सुनना चाहती है कि हमने पोल्यूशन कैसे कम करा। फिर मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनको बताया, मैंने कहा ये मैंने नहीं करा, ये मेरे 2 करोड़ लोगों ने करा है, दिल्ली के लोगों ने करके दिखाया है। आपको विश्वास नहीं हो, मेरी YouTube पे स्पीच पड़ी है, स्पीच सुन लेना डेनमार्क वालों को जो मैंने दी थी। मैंने कहा मेरे 2 करोड़ लोगों ने ये करके दिखाया है, मैंने कहा ऐसे ऐसे हमने ये करा, ऑड इवन करा, ये सब करा, सब कुछ बताया मैंने। फिर ये बीजेपी वाले जल गए, बीजेपी वाले कहते हैं ये तो मेयर की मीटिंग थी, केजरीवाल क्यों जा रहा था, केजरीवाल तो मुख्यमंत्री है, मेयर को जाना चाहिए। मैं कहा जी बताओ मेरा क्या कसूर है, तुम्हारे मेयर को नहीं बुलाते तो। भाई सारी दुनिया को बताइए बीजेपी के मेयर कैसे हैं,
अब तुम्हारे बीजेपी के मेयर को अगर पूरी दुनिया नहीं बुलाती, मेरे को ही बुलाती है, तो मेरा क्या कसूर है बताओ इसमें। मॉस्को में पूरी दुनिया के शिक्षा मंत्री इकट्ठे हुए थे, उन्होंने मनीष जी को बुलाया, मनीष जी हमने सुना है ये बड़ी शिक्षा क्रांति कोई हुई है दिल्ली के अंदर, बताओ हमको आके। मनीष जी को जाना था, इन्होंने जाने ही नहीं दिया। ना जाने दे, अपने को क्या फर्क पड़ता है, चर्चे तो अपने ही हो रहे हैं, उनको थोड़ी बुलाते हैं, अपनों को ही बुलाते हैं। तो मेलबर्न वालों ने, ऑस्ट्रेलिया वालों ने सतिंदर जैन को बुलाया, जी आप आके हमको बताओ ये मोहल्ला क्लिनिक क्या होता है। सतिंदर जैन को जाना था, इन्होंने जाने ही नहीं दिया। ना जाने दे, अपने को क्या फर्क पड़ता है, चर्चे तो अपने ही हो रहे हैं, चर्चे जो दिल्ली सरकार के ही हो रहे हैं, चर्चे तो दिल्ली वालों के ही हो रहे हैं, पूरी दुनिया में। आज एक कार्यकर्ता आया, बोला अरविंद जी मैंने अन्ना आंदोलन से काम किया पार्टी के लिए, और पिछले 6-7 साल से लगातार काम कर रहा हूं, मेरे को क्या मिला। मैं आज आपको दो ही गारंटी दे के जा रहा हूं, बस इसी चीज की गारंटी, और कोई गारंटी नहीं है। पहली गारंटी, जब तक केजरीवाल जिंदा है, पार्टी की और सरकार की ईमानदारी की गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को। जिस दिन केजरीवाल बेईमान हो जाए, पार्टी छोड़ देना, फिर आप अपने रास्ते, में अपने रास्ते। और दूसरी गारंटी है, आपकी सरकार को भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे आपकी नजरें झुक जाए, आपकी गर्दन झुक जाए। हमेशा ऐसा काम करेंगे कि आप अपनी गली में, मोहल्ले में, समाज में, रिश्तेदारी में सर उठा के आप चल सको। बस ये दो गारंटी है, तीसरी नहीं है। इसको क्यों ले लिया, उसको क्यों, ये बाकी सारी चीजें अलग है, ये दो ही गारंटी है। तो दोस्तों, अब चुनाव के अपने 3-4 महीने रह गए, अपने को फिर से खूब मेहनत करनी है। जो जो लोग अगले 3 महीने फुल टाइम दे सकते हैं, ईमानदारी से हाथ खड़े कर दो, और जो जो लोग नहीं दे सकते, वो भी जितना भी टाइम दे सकते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन, उतना टाइम दें। ये सोच के दें, केजरीवाल के लिए नहीं कर रहे, आम आदमी पार्टी के लिए नहीं कर रहे, हम देश का इतिहास बदल रहे हैं। पिछले 5 साल के अंदर हमने करके दिखाया है, अगले 5 साल के अंदर इस काम को आगे बढ़ाना है। हम पुण्य कमाने के लिए कर रहे हैं, हम अपना देश बदलने के लिए कर रहे हैं। एक ही चीज बता रहा हूं मैं, जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, आप सबका नाम सुनहरी अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा। भारत माता की जय।